हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैंने पिछले अपने वीडियो में दिया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था, उसमें दो मैंने लास्ट में बताया था पॉइंट तीन, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, इस तीनों चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट जैसे है क्या ऑप्टिकल डेंसिटी। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा प्रकाशीय घनत्व। तो सिंपल सी है, नाम से स्पष्ट है ऑप्टिकल डेंसिटी। मैंने इससे पहले बताया था मीडियम के बारे में, डेंसर रेयर, तो बस उसी चीज में थोड़ा हल्का आगे है ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, ठीक है, या कितना रेयर है। तो वो तो रेयर वाली बात अलग हो गई, यानी कि डेंसर कितना है, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी एक नया टर्म आ गया। ठीक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग ओडी लिख दिए, ऑप्टिकल डेंसिटी। किसी मीडियम में मान लेते हैं कि कोई भी मीडियम है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इसका मतलब जब डेंसर ज़्यादा रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वह ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जब ज़्यादा होता है तो क्या होगा, स्पीड जो होगा लाइट का वह कम होगा। ठीक है, कम होगा, ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा, नीचे की ओर मतलब कम। इसका जस्ट उल्टा, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है किसी मीडियम का, तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अधिक हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम में ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर किसी मीडियम में कम है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अब समझिए, यहाँ से कोई हम लोग मीडियम में लेते हैं, मान लेते हैं क्या एक बॉल ही है, और उसको मैंने क्या किया, या एक छोटा सा स्टोन लेते हैं हाथ में, और ये एयर में है अभी अपने लोग, एयर वाले मीडियम में है, और इस स्टोन को मैं क्या करूं, फेंकूं, ठीक है, कहाँ पे, वाटर में, पानी में, तो क्या होगा उस केस में, तो वेलोसिटी जो होगा उस स्टोन का, जब वाटर में रहेगा तो कुछ और हो जाएगा। अब एयर में जब तक था, यानी कि मेरे हाथ में जब तक है, तब तो उसका वेलोसिटी जीरो है, जैसे ही मैंने फेंका उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ने के बाद जब वह वाटर में एंट्री करेगा, तो वाटर में जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ का कितना कम, कितना गुना उसका स्पीड बढ़ गया, या कितना गुना उसका स्पीड कम हो गया इस मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो इसी चीज़ को समझने के लिए क्या है, क्या ऑप्टिकल डेंसिटी एक नया टर्म आ गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम में ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम होता है तो स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब एक पॉइंट आ रहा है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ भी बार बार कहेंगे इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इस दोनों को कम या ज़्यादा, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, इसको मतलब डिफाइन करने के लिए ना एक नया टर्म आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक, हिंदी में कहते हैं उसको अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक को समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वास्तव में। तो यहाँ पे मैंने बताया ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज़्यादा है स्पीड कम होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर कम है स्पीड ज़्यादा होगा। तो बस इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड अगर कम है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, कि ऑप्टिकल डेंसिटी को ही क्या कह सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसी को हम लोग समझने के लिए एक नया टर्म लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एक नया नाम दे दिया, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी को एक नया नाम देकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिए। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में प्रत्येक छोटे छोटे टर्म से लेकर के बड़े बड़े टर्म तक का कुछ ना कुछ सिम्बॉलिक होते हैं, सिम्बॉल होते हैं कह सकते हैं। तो ये जो सिम्बॉल है, इसको हम लोग मान लेते हैं म्यू, एक नाम दिया यहाँ पे मैंने म्यू, इसको कहते हैं क्या चीज़,
म्यू लिख देते हैं, बिल्ली की आवाज है, बस याद तो कर सकते हो, ऐसी नॉर्मल सी बात है। म्यू जो कि हल्का सा एम जैसे मिलता जुलता है, लेकिन वास्तव में ये एम नहीं है, ठीक है, ऐसे करके ये म्यू है, ठीक है। म्यू किस चीज को डिनोट किया यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, अपवर्तनांक को। अब ध्यान दो, एक यहाँ पे बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड क्या है, कम है, मतलब उल्टा है। स्पीड यहाँ पे अगर ज्यादा हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, मतलब कह सकते हैं ना कि एक दूसरे का ये क्या चीज है, उल्टा है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा यहाँ पे है, स्पीड कम है, और स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हम लोग एक चीज यहाँ पे लिख दिया है म्यू, यानी कि ये जो हम लिख सकते हैं ना ऐसा कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी का, वी मतलब वेलोसिटी, याद रहेगा, वी मतलब वेलोसिटी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पीड कम है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली मैंने लिख दिया यहाँ पे इनवर्सली, तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा अगर ये पहला वाला अगर घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, यही ना चीज है। तो बस सिंपल सी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम, अब समझते हैं एक और पॉइंट यहाँ से, ये तो समझ रहे हैं कि वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पीड को भी इसमें, मतलब स्पीड को ही यहाँ पर वेलोसिटी कहा गया, लेकिन अंतर है इस दोनों में, पढ़ेंगे आगे, तत्काल हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक। अब मान लेते हैं क्या कि दो मीडियम है, दो मीडियम है, एक M1 है, ठीक है, और एक M2 है, समझिएगा बड़ा प्यार से समझिएगा इधर। अगर M1 मीडियम है और M2 मीडियम है यहाँ पे, तो M1 का मान लेते हैं इसमें कोई वेलोसिटी, मतलब कोई स्टोन टाइप का है या फिर बॉल ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, वो भी वन बेग से गति है, मतलब जा रहा है, ठीक है। उसके बाद M2 में आते हैं, मीडियम 2 में आते हैं, तो मीडियम 2 में क्या होता है ना कि यहाँ पे भी टू वेलोसिटी 2 से हम लोग यहाँ पे कोई स्टोन है या फिर ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग गति में दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है, यहाँ पे समझिए कि M1 मीडियम 1 में वेलोसिटी 1, मीडियम 2 में वेलोसिटी 2, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह क्या है, एक दूसरे का, मतलब वेलोसिटी का उल्टा है। कहने का मतलब हुआ अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M1 μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि μ1 बटे μ2, ये जो होगा वह इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो μ1 है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बताया क्या कि μ जो है v का उल्टा है, मतलब μ1 जो होगा वह नीचे में v1 आ जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, μ2 के बदले में यहाँ पे v2 हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली का साइन हटेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे सकते हैं, इक्वल का साइन दे सकते हैं ना, और यहाँ पे उल्टा हम लोग कर दिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख चुके थे, ठीक। अब आते हैं थोड़ा और समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इस चीज के बारे में और थोड़ा जानकारी लेते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, शॉर्ट में लिख दिए। ये वास्तव में कह सकते हैं तो ये दो तरीके से होता है, दो तरीका, ठीक है। दो तरह का मतलब क्या हुआ, एक होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और एक होता है रिलेटिव, एक होता है रिलेटिव, ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट, दूसरा होता है रिलेटिव, समझिएगा इस बात को। एब्सोल्यूट हिंदी में मतलब बोल सकते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष, और इसको हम हिंदी में कहते हैं सापेक्ष, ठीक है। खैर हिंदी से उतना मतलब नहीं है ज्यादा, हम लोग टर्म्स ये एब्सोल्यूट रिलेटिव को देखेंगे, चाहे निरपेक्ष सापेक्ष दोनों में से कोई देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, तो एब्सोल्यूट जैसे मैं बोल दूं कि वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो मैंने बोला वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने किसी के सापेक्ष में नहीं बोला,
मैंने किसी के रिलेटिव में नहीं बोला कि मैं बोला क्या कि वाटर का डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि वाटर के अपोजिट कुछ है नहीं, यानी कि हम बोलते हैं यहाँ पे वाटर के ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ है, ग्लास वाटर, यानी कि ये रिलेटिव आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई चीज़ की बात नहीं की है, बस वाटर की बात की है। तो ये वाटर किसी के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाता है एब्सोल्यूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में बात करें तो कहोगे क्या, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में तो जरूर होगा। तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो एयर में होगा, ठीक है। यानी कि एयर से रिस्पेक्ट में हम लोग अगर कोई एक चीज़ दिया हो, कोई एक चीज़ दिया हो और बोले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। यहाँ पर भी हम किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में जरूर निकाल रहे हैं, अगर गौर से सोचे तो इस बात को, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट निकालना है, एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में ले लेंगे किसका, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। नीचे में जिस मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका लेंगे यहां पे स्पीड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इन दैट मीडियम, यहां पे एयर का होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, बोलेंगे कि वाटर का क्या होता है, वाटर का अगर पूछ दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कोई मैंने इसके रिस्पेक्ट में मैंने बात नहीं किया कि वाटर का ग्लास के तुलना में क्या होगा, ऐसी मैंने बात नहीं की है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकालने के लिए ना, हम लोग सबसे पहले जानेंगे वाटर में स्पीड कितना होता है। तो मैंने इससे पहले का वीडियो में बताए थे कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हम अभी अभी जस्ट बताए कि अगर एब्सोल्यूट निकालना है तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो अगर किसी के सापेक्ष में बोल रहा है तो रिलेटिव हो जाएगा, अगर किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा है तो हम लोग उस केस में एयर को लेते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया, तो एयर का क्या होता है, एयर का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। इससे पहले मैंने मतलब जो लिखा था फॉर्मूला वो क्या आया था कि मीडियम वन बाय म्यू वन बाय म्यू टू, जो होगा म्यू टू अगर नीचे में है तो वी टू ऊपर में होगा, और म्यू वन अगर नीचे मतलब म्यू वन अगर ऊपर में है तो वी वन क्या होगा, नीचे में होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हमको निकालना किसका है, एयर का निकालना है। तो मैंने अभी जस्ट बोला मतलब निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ऊपर में लेंगे, तो ऊपर में कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी वन मतलब किसका, तो वाटर का निकाल रहे हैं, तो वाटर का 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड के साथ कट जाएगा, बचेगा 3/2.25। अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है कितना, 300। अब 300 जैसे आया, इसको कट करते हैं कितना होगा, 25 से अगर कट करें तो 25 अट्ठे हो जाता है, और 25 का इनको 9 बार पढ़ेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। अगर हम और कट कर लें, और नहीं नहीं यहाँ पे गलती हो गया, 25 जो है ना, 25 के जगह यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 से हम अगर काटते हैं तो 12 मरतबे यहाँ पे 300 आ जाता है, 12 का इनको अगर हम यानी कि 12 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। अब यहाँ पे 12 9, तो 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 4/3। और जब 4/3 को आप पॉइंट में लिखिएगा तो 1.33 लिख सकते हैं, ठीक है, 1.33 लिख सकते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि वाटर का एब्सोल्यूट, चाहे वाटर का डायरेक्ट पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1.33 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब रिलेटिव का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिलेटिव में जैसे कि मैंने बोला कि अगर वाटर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास वाटर, ये W मतलब क्या हुआ वाटर, G मतलब क्या हुआ ग्लास, और ये जो म्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ये इस बार एक बार म्यू के साथ इसके, और इसका बार फिर म्यू के साथ W का, यानी कि म्यू G ऊपर में हो जाएगा, छोटा लिखते हैं,
और म्यू डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब ग्लास में कितना होता है स्पीड वो लिख लो, ग्लास में नहीं बल्कि वाटर में लिख लोगे, क्योंकि पहला मीडियम का जो स्पीड होगा इसमें वो नीचे जाएगा, इसमें जो मतलब इसमें जो स्पीड होगा इसका मीडियम वाटर में मीडियम जो होगा वो ऊपर जाएगा, यानी कि वाटर का कितना हो जाएगा ऊपर में। अभी जस्ट बताए थे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का कितना होता है, तो ग्लास का होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप कैलकुलेशन कर लोगे बन जाएगा, ठीक है, सोल्व तो कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, और कभी कभी एग्जाम में यह भी आ जाता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ऐसे करके भी क्वेश्चन डाल देता है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो याद रखना है हीरा का, ठीक है, डायमंड। और कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है 2.42 होता है। उसके बाद अगर निकालना चाहें तो इसका स्पीड ले सकते हैं 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे अगर वाटर का पूछ ले तो अभी हम जस्ट बता दिए हैं कितना होता है 1.33 हो जाएगा, ठीक है। एयर का आप याद रख सकते हैं कि 1 होता है एयर, क्योंकि ऊपर में अगर हम 300,000 लेते हैं ना 300,000, और नीचे में भी अगर एयर का निकाल रहे हैं एयर के रिस्पेक्ट में तो नीचे में भी हो जाएगा 300,000, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कह सकते हैं 1 होता है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल एंगल को समझते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है उस चीज को समझते हैं। बहुत सी आसान सा मतलब बहुत आसान है ये कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल लग रहा होगा नाम सुनकर के कि थोड़ा अजीब है, लेकिन नहीं है अजीब, अगर 2 मिनट बने रहिएगा वीडियो के साथ तो समझ में आ जाएगी अच्छे से। इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्रांतिक कोण, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने बताया था कि ये वाटर है और ये क्या है एयर है, ऊपर में एयर है, ठीक है, और ये इसका लेवल है कह सकते हैं, वाटर का लेवल है ये। तो बताइए पिछला क्लास मेरा याद कीजिए, अगर देखे होंगे वीडियो तो जरूर याद होगी आपको कि कौन सा रेयर होगा कौन सा डेंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है एयर, यहाँ पे क्या है वाटर, यानी कि मैंने बताया था इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, डेंसर हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रेयर हो जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज़्यादा है रेयर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होगा ये क्या होगा डेंसर होगा। अब मान लेते हैं उस बार मैंने बताया था कि ऊपर से कोई लाइट आता है मतलब रेयर टू डेंसर जाता होगा, तो रेयर टू डेंसर अगर जाता था तो क्या होता था, रेयर टू डेंसर जाएगा तो RDT मैंने बताया था टुवार्ड जाएगा किधर, टुवार्ड द नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि ये डेंसर से जा रहा है रेयर में लाइट, डेंसर से रेयर में, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टकराया डेंसर से रेयर तो हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसे कभी भी केस आता है तो नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल है। अब जाना किधर चाहिए, जाना तो इधर चाहिए था इसको, लेकिन ये इधर ना जा करके क्या करेगा थोड़ा मुड़ेगा। अब मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, हो सकता है ये इधर मुड़े या इधर मुड़े, तो क्लियर मैंने इस बात को भी किया था क्या कि अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो DR तो डॉक्टर अनिल याद रखिएगा, मतलब अबे, तो अबे मतलब नॉर्मल से दूर, तो क्या होगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है मूव कर जाएगा, इतना तक क्लियर। आगे देखिए मैं क्या करूं कि इस लाइट को थोड़ा सा टेढ़ा और करके दूं, अगर मैं ऐसा करके दिया तो जाना चाहिए था फिर इधर जाना चाहिए था, ऐसे कर लेते ना, जाना चाहिए था किधर, अब यहां से जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर ना जाकर के क्या करेगा, जब यहां पे था तो इतना मूव किया तो इससे इधर हुआ तो ये भी इधर होगा, ये ऐसे हो गया। अब ऐसा हम करते हैं थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, तो ऐसा जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जब आएगा मीटिंग पॉइंट यहाँ पे है और मतलब इंसिडेंस पॉइंट कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसा आएगा जो हम लोग लाइट इधर से देंगे तो ये डायरेक्टली इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है इस लेवल पे आ जाएगा। तो बस मेरा काम खत्म है, अब इतना ही है इसमें, क्या है कि लाइट इधर गया, ठीक है,
अब एक कंडीशन ऐसा आया कि यहाँ पे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कौन कितना एंगल बना, तो ये जो एंगल बना नॉर्मल से लेकर के यहाँ तक, नॉर्मल से लेकर के ये जो इंसिडेंट रे था, सॉरी हाँ इंसिडेंट रे था, तो इसके बीच में जो ये एंगल बना इसी को कहते हैं हम क्या चीज़, क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का बन गया होगा, ये 90 डिग्री का बना कि नहीं बना, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड नहीं कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं जो इंसिडेंट रे गया तो यहाँ पे कौन सा एंगल बना, एंगल कौन सा बना, इंसिडेंट्स एंगल बना। तो इंसिडेंट्स एंगल वह होना चाहिए जो यहाँ पर कितना डिग्री का, ये जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉर्मल के साथ जब 90 डिग्री का बन जाता है ना यहाँ पे, तो ये जो एंगल होता है इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण कह सकते हैं हम इसको, समझ में आई। और आज इतना ही रहेंगे बस तीन पॉइंट के साथ, इस तीनों पॉइंट में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा इस बात को, ठीक है। और इससे आगे हम लोग कंटिन्यू देखेंगे लाइट के लॉ के बारे में, लाइट के लॉ के बारे में जिसमें मैंने दो डिस्कस कर दिए हैं, क्या चीज़, रिफ्लेक्शन कर दिए हैं और रिफ्रैक्शन कर दिए हैं, ठीक है। और अभी बाकी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाकी है, स्कैटरिंग बाकी है, उसका डिस्पर्जन बाकी है, तो ये सभी घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही है, और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जितना हो सके फैलाइएगा। धन्यवाद।